हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कॉलेज प्रशासन के रवैये से नाराज होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा कोरोना बीमारी के दौरान प्रशासन के लापरवाह रवैये के अलावा ड्यूटी रूम पार्किंग समस्या का हल नहीं होने पर डॉक्टरों ने अब मुख्यमंत्री से समस्याओं को दूर करने की मांग की है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि कई बार मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास लिखित तौर पर शिकायत कर समस्याओं को बताया गया है, लेकिन समस्याओं पर गौर नहीं फरमाया है, जिसके चलते अब मजबूरन डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अभिषेक ठाकुर ने कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट की कार्यशैली कॉलेज प्रशासन के प्रति नकारात्मक ही रही है और इसके कारण पूरे कॉलेज के कर्मचारियों को प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मनमाने रवैये से सभी लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि गत सप्ताह में कॉलेज प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण ही मेडिकल कॉलेज में एक दर्जन कॉलेज स्टाफ पॉजिटिव हुआ है, तो मरीज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हमने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के माध्यम से जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी हॉस्पिटल में कई मुद्दों को लेके, चाहे वो कोविड की मिसमैनेजमेंट का मुद्दा हो, जो अस्पताल में इतने नर्सेज जो हमारी इन्फेक्ट हुई उसके चलते, जो हमारी पार्किंग की समस्या थी, जो हमारी ड्यूटी रूम की समस्या थी, ये सभी समस्याओं पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम रिपीटेडली मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को कितने लेटर लिख चुके हैं और पता नहीं अभी तक उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। प्रिंसिपल साहब को भी हम कई बार इन्फॉर्म कर चुके हैं कि हमारे जो सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे मुद्दों पे कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके संदर्भ में अब हमारे पास कोई और रह नहीं गया है। हमारे पास अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, आप ये जो कोविड की मिसमैनेजमेंट हुई है इसको बारीकी से देखिए हमारे अस्पताल में कि क्यों इस तरह से हमारा इतना सारा स्टाफ पॉजिटिव हुआ, जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उनका फॉलो नहीं किया गया, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए गए, उसके बाद हमारे काफ़ी स्टाफ जो है अब खुद एडमिट है कोविड पॉजिटिव होने के कारण। तो मैं यही मांग करूँगा कि मुख्यमंत्री जी से कि एक तो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, जो रेजिडेंट डॉक्टर जो होता है वो जो अस्पताल की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी है, आप उस रीढ़ की हड्डी को ही आप इस तरह से नकार दोगे या उनकी कई सजेशंस को नहीं मानेंगे तो फिर अस्पताल किस तरह से चल पाएगा, हम किस तरह जोश से अपनी ड्यूटियां कर पाएंगे। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है कि वो इस मुद्दे की वो ध्यान देंगे। हमारी ये भी माननीय है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनका जो कार्यशैली रही है वो लार्जर इंटरेस्ट में नहीं रही है किसी की, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों। तो यदि अगर वो इस तरह से ड्यूटी अब नहीं कर पाते तो हम चाहते हैं कि उनकी जगह किसी और योग्य व्यक्ति को मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगाया जाए और उनको इस कार्यभार से तुरंत मुक्त किया जाए। मेरी यही आपसे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री सिंह जी से। गौरतलब है कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा गत एक सप्ताह से कॉलेज प्रशासन के मनमाने रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और काले बिल्ले लगाकर काम किया जा रहा है। वहीं अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा मामले की शिकायत की गई है।